हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। आज हम इस ट्यूटोरियल में एक फ्रेमवर्क जो सिलेनियम में वाइडली यूज्ड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट क्लासेस लेते हैं और पेज क्लासेस लेते हैं। इसके अंदर हम एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन का यूज करते हैं और पेज पैक फैक्ट्री का भी यूज करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इसे यूज करते हैं और आगे हम बाद में देखेंगे कि इसे क्यों यूज करते हैं, इसके रीजंस क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, दो पैकेजेस बनाते हैं। एक मेरा टेस्ट पैकेज हो गया और एक मेरा पेज पैकेज हो गया। पेज पैकेज में लेते हैं, मैं सिर्फ पेज क्लासेस लेता हूँ। और यहाँ पर मैं टेस्ट क्लास लेता हूँ। तो यहाँ हमने दो क्लासेस ले लिए, पेज और टेस्ट। पहले जब हम कभी भी कुछ टेस्ट करते थे, मान लो कोई एक्शन परफॉर्म करते थे, तो हम क्या करते थे कि एक अपने ड्राइवर्स को इनिशियलाइज करते थे। अगर हम क्रोम ड्राइवर या आई दे रहे हैं तो उसका पार्ट डिफाइन करके यूआरएल पे नेविगेट करके और क्लिक करवा देते, सिंपल एक लीनियर स्क्रिप्ट लिख देते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ मेथड्स कॉल करेंगे जो हम बेसिकली पेज टेस्ट पे डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पर स्टैटिक है, अगर आप टेस्ट इंजन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सब कुछ स्टेटिक नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ स्टेटिक है तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टेटिक नेविगेट एंड क्लिक। अब ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड नेविगेट करेगा और क्लिक करेगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पर उसे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं रेडिफ मेल पे जा रहा हूँ दोबारा। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इसको इंस्पेक्ट करेंगे, फिर से हम इसका एक्सपाथ वही लेंगे, टेक्स्ट से जो हम उठाते हैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट से। अब ऐसे करेंगे और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, इसे कैंसिल करते हैं। तो मैं एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन यूज करूंगा, एट द रेट फाइंड बाय। उसके बाद मैं कहूंगा मुझे ये एक्स पाथ से वैल्यू चाहिए और मेरा एक्स पाथ है ये। उसके बाद मैं एक प्राइवेट वेब एलिमेंट जिसका नाम है रेडिफ लिंक, उसे इंपोर्ट करूंगा और इस लिंक में यहां पर क्लिक करवा रहा हूं। सिंपल, ये भी ऑफकोर्स स्टैटिक होगा। और यहाँ पर हमने एक रिटर्न टाइप देना है जो वर्ड है। इसके बाद मैं कहूंगा कि एक मेरा वेब ड्राइवर भी तो इनिशियलाइज होना चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेब ड्राइवर यहाँ पर अभी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। www.reddit.com पे ही नेविगेट कर रहे हैं। क्रोम ड्राइवर को इंपोर्ट किया, सेट करनी है। इसको हम वहीं से पिक कर लेते हैं जो हमने पहले यूज कर रखा था अलर्ट क्लासेस में।
इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद मैं कह रहा हूं कि इसको क्लिक मेथड को कॉल कर लो, पेज इसको टेस्ट डॉट गेट क्लिक, पर ये अभी चलेगा नहीं। ये क्यों नहीं चलेगा कि हमने ये सब कुछ डिफाइन कर दिया, लेकिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है पेज फैक्ट्री। तो अभी ये यहाँ पर नेविगेट करके यहाँ पर हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, तो पेज फैक्ट्री को इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये नेविगेट कर रहा है रेडिफ पे, कंसोल खोल देते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने सिर्फ एट द रेट फाइंड बाय देके ड्राइवर को इनिशियलाइज करके और उसको नेविगेट करके क्लिक करने को कहा है। तो अभी ये वहां पहुंच गया और हमें यहां पर एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी देख ली। तो ये बेसिकली कह रही है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो इनिशियलाइज नहीं है, तो क्योंकि ये स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हो तो हम स्टैटिक ब्लॉक बना रहे हैं। अगर आप स्टैटिक नहीं यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल कंस्ट्रक्टर में भी ये लिख सकते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक में आप क्या करेंगे, आप पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स और यहाँ पर आप देंगे ड्राइवर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आप देंगे करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। स्टैटिक में दिस यूज नहीं होता तो इसलिए आप अभी ऐसे ही दे देंगे। अगर आपका कंस्ट्रक्टर है तो आप इसको दिस की तरह भी दे सकते हैं, सिर्फ दिस लिखेंगे तो वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा। इसके अलावा अभी हमारे पास ड्राइवर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है मैं इसको यहां से उठा के अभी के लिए यहां पर कर रहा हूं और यहां पर नेविगेट का पाथ याद दे देता हूं। तो हम ऐसे कर देते हैं और इसी को आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा क्योंकि हम सब स्टैटिक लेके चल रहे हैं और स्टैटिक ब्लॉक उसे एक्सेस कर रहा है। तो ऐसे अब इसे रन करेंगे, सेव करने के बाद अब ये नेविगेट कर रहा है, पर अब ये क्लिक करेगा ना कि एक्सेप्शन देगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने वहां पर पेज फैक्ट्री को इनिशियलाइज कर दिया है। यहां पर आप देखोगे तो पेज फैक्ट्री इनिशियलाइज्ड है, तो ये पेज लोड हो गया और उसके बाद वो उसे क्लिक करेगा। और उसने उसे पे क्लिक कर दिया, सॉरी ये मुझसे गलती से हो गया, तो ये पेज क्लिक हो गया। तो ये ऐसा इसलिए हुआ, आप कंसोल में देखेंगे तो भी कोई एरर नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, पहले हमने सिंपल ड्राइवर्स को इनिशियलाइज करके यहां कहा कि एट द रेट फाइंड बाय को यूज करके आप एक एलिमेंट क्रिएट करो जो प्राइवेट है और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एरर मिली कि वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं है। तो हमने पेज फैक्ट्री को ऑब्जेक्ट बुक इनिशियलाइज किया पेज फैक्ट्री से, और क्योंकि हम स्टैटिक ब्लॉक में लिख रहे हैं, हम स्टैटिक मेथड्स और वेब एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो पेज टेस्ट हमने डाला। लेकिन अगर आप स्टैटिक नहीं यूज कर रहे हैं, आप सिंपल वेब एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो आपको ये कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है, स्टैटिक ब्लॉक की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आप दिस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे कि आप बस सिंपल क्लिक करवाइए और ये यहाँ पर नेविगेट करके क्लिक कर रहा है, तो मेथड कॉल से ही सीधा वो काम हो गया। जो आप पहले क्या कर रहे थे, एक लीनियर स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जैसे ये एग्जांपल है,
हमने पहले इनिशलाइज किया, नेविगेट किया, वहीं पर ही क्लिक किया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो लग रहा है, ये जो पूरा का पूरा हमने बनाया है, दो क्लासेस बनाई हैं, तो ये ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा कोड है। इसमें हम सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, कोई रियूजेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर ये रियूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप मान लो सेम लिंक को 50 बार यूज करते हैं, सेम बटन को 50 बार यूज करते हैं, आपको एक ही बार वेब एलिमेंट डिफाइन करना होता है। और मोस्टली जो पेज क्लास बनती है वो पर पेज एक ही बनती है। और आगे इसकी रियूजेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी, ये सब एडवांटेजेस तो है ही, और इसके अलावा आपको और भी कई एडवांटेजेस मिलेंगे इसके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।